अज जो असी प्रेस दे रूबरू हो रहे हैं, सब तो पहला कौमी इंसाफ मोर्चे वालों जिहड़ी तरह कल भाई अमृतपाल सिंह दी ते उन्हां दे साथी सिंघां दी सरकार ने एक बहुत वड्डे उन्हां नूं कसूरवार ठहरा के उन्हां नूं इस तरह पेश करके भी एक खूंखार बंदा है उस ते ऑपरेशन किया, उस दी असी कौमी इंसाफ मोर्चे वालों पुरजोर निंदा करते हैं। क्योंकि जदों भाई अमृतपाल सिंह सिर्फ ते सिर्फ नौजवानों नू नशे तो रोकण वास्ते अमृत छका के गुरु दे लड़ ला रहा सी, कोई इलीगल कम नहीं सी, सो सरकार नू रास नहीं आउंदा। कल जिहड़ा एक्शन करिया वह तिने सरकारां ने, पंजाब सरकार, सेंटर सरकार ते कांग्रेस भी उस भाईवाल है। क्योंकि कांग्रेस भी हमेशा भाई अमृतपाल सिंह दे खिलाफ, भावें वह रपनीत बुट्टू है भावें वह दूजे है, वह जहर उगलते रहे। सो उस कार्रवाई की असी पुरजोर निंदा करते हैं ते जेड़ा भी संगत उन्हां दी रिहाई वास्ते, उन्हां दी सिंघां दी रिहाई वास्ते प्रोटेस्ट कर रही हैं पंजाब च, देश विदेश च, असी उन्हां दी हमायत करते हैं। क्योंकि जिस तरह विदेश दियां संगतां अज भारत दियां अंबैसियां अगे भाई अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ रोस प्रदर्शन कर रही हैं, असी उहदी हमायत करते हैं। सो अगे तो सरकार नू एक वार्निंग भी दें भी उन्हां नू बिना शर्त रिहा किया जाए तो उन्हां दे सिंघां नू रिहा किया जाए। जे कोई लोड़ पैंदी है उन्हां दी कानूनी पैरवाही की, वह कौमी इंसाफ मोर्चे की लीगल टीम उसकी जिम्मेवारी लैंदी है भी असी लीगल तौर पर उन्हां दे सिंघां दा उन्हां दा केस असी लड़ांगे। सो दूजा जिन्हें भी रोस धरने लगे है असी उन्हां दी हमायत करते हैं, भावें इत्थे एयरपोर्ट रोड ते है, कौमी इंसाफ मोर्चे वालों उन्हां दी हमायत है। तीजा, असी इस कौमी इंसाफ मोर्चे विच संगतां नूं वध तो वध पहुँचण लई अपील करते हैं। जिथे असी चार मुद्दयां ते मोर्चा लाया उत्थे पंजवां मुद्दा असी भाई अमृतपाल सिंह दा भी इस शामिल करन जा रहे हैं। सो इस दे प्रचार ते प्रसार लई असी नौ कमेटियां अज नियुक्त कीतियां जा रही हैं, जिस विच भाई बलविंदर सिंह ओ किसान ते मजदूर जथेबंदियां नाल संपर्क करनगे, भाई पाल सिंह फ्रांस, गुरिंदर सिंह बाजवा, गुरदीप सिंह मिंटू दिल्ली नूं हैंडल करनगे, इसे तरह बाबा गुरमीत सिंह ते हरपाल सिंह जलवाणा हरियाणे नूं हैंडल करनगे, इसे गुरदीप सिंह भोगपुर, वह बाबा राजा राज सिंह, ये भी एक कमेटी के मुखी होणगे जिहड़े पंजाब च इस मोर्चे की चढ़दी कला लई इत्थे संगतां नूं वध तों वध प्रेर के लिआउण लई यतन करनगे। सो इस तकरीबन नौ कमेटियां दा असीं अज गठन करन जा रहे हैं। तीजा, 23 मार्च नूं जहेदार जगतार सिंह हवारा दी मोहाली च तरीक है, असी पिछे जो 26 फरवरी नूं सरकार नाल साडी गलबात होई सी उस च असी चलो वादा कीता सी भी उदों तक असी 31 सिंघां दा जिहड़ा जथा कौमी इंसाफ मोर्चे की स्टेज तो भेजा जा रहा सी ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 51 ਅਤੇ 101 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ, ਬਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਆਉਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
भी इस मोर्चे नूं चुकाया जाएगा। सो असी अज क्लीयर करते हैं भी ना मोर्चा उठना, ना कोई सरकार दे इस तरह के दबा च आना। इस ते असी संगतां नूं अपील करते हैं भी वह बिना डर भय तो इत्थे अपने हाजिर होण, ता कि असी वड्डी गिणती विच हो के अपने उन्हां मुद्दयां नूं सरकार तो हल करा सकीए। सो इस तरह ये साडी अज दी प्रेस कॉन्फ्रेंस सी जो असी थोड़े रूबरू होए हैं। बाकी ये बारे राजा राज सिंह जी करेंगे। वैसे थोड़ा मैं दस दिया भी साडा अंदरूनी मसला, उस तो पहला साड़ी सलाह हो के उन्होंने मेन जो सिंह है उत्थे कुलविंदर सिंह, एक दा नौ वो आप सरूप सिंह, उन्होंने दो सिंह नाल मेरी ते बाबा कुलविंदर सिंह दी कार च बैठ के मीटिंग हुई है। उन्होंने पूरी सहमति ली गई है, पर फिर भी चलो कोई नौजवानों का कोई रह जाता असी फिर भी उन्होंने सपोर्ट करते हैं, पर साडे च आपसी कोई बखरेवा नहीं इस ते भी उन्होंने साडे कहों तो धरना वो मुलतवी किया या नहीं किया, ये साडा अंदरूनी मसला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिहड़ी अज दी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ वो पंजाब दे जिहड़े हालात ने, पंजाब गौरमेंट आ चाहे सेंटर सरकार आ, वो पंजाब दे विच इक दहशत दा माहौल पैदा कर रही है। पंजाब दे विच दहशत दा माहौल, डर पाया जा रहा। भगवंत मान सेंटर दे कोल जाके उतों कंपनियां लेके आया, 40-50 किन्नियां लेके आया फौज दियां, सारे चप्पे चप्पे ते फौज ला दी। ते कल जिहड़ा वारदात करी है इन्हां ने भाई अमृतपाल सिंह दे नाल उन्हां दे साथियां दे नाल, किस तरह उन्हूं एक बड़ा अतवादी पेश किया गया भी वह भज गया, गिरफ्त दे विच नहीं आया, मगर उन्हां दी गड्डियां लाइया गई, गड्डियां तोड़िया भी गई, ये चंगी गल नहीं। पहला सरकार सानू ये दसे भी उहदे उत्ते केस की आ, कि वजह करके उन्हों फड़िया, उहदे उत्ते केस की चीज़ आ, उन्हें की करता है हजा माड़ा। तो नाले संगतां नू बेनती है, पंजाब दियां नू, भारत दियां नू, देश विदेश विच बैठियां नू, कि अमृतपाल इन्हां नू सुविधा इस करके आ कि वह अमृत छकाउंदा गुरु दे लड़ लाउंदा, ते पंजाब दे विचों जिहड़ा नशा कर दे नौजवानां नू वो हटा के अमृत छका के गुरु वाले बना रहा। सरकारां नू ये चंगा नहीं लगता, जिहड़ा नशे का इलाका वो आई अमृतपाल ने पंजाब च तोड़ता सी, जिहड़ी नौजवानी है हज़ारां दी गिणती दे विच नशे छड्ड गई सीगी। ते इस करके जो भी घटनावां पंजाब दे विच वरतियां, जो कल वरतारा होया, इहदी असी सख्त शब्दां विच निंदिया करदे हां। ते हुण पूरा पंजाब आ जिहड़ा वो सड़कां दे उतरिया होया, सुभनां वाले महापुरख बाबा जी होणी जिहड़ा हरी के पत्तण दा पुला उत्थे 50,000 तो उपर जिहड़ी संगत आ वो पहुंची आ, उत्थे जाम कीता होया, आनंदपुर साहब जाम कीता, रोपड़ वाली साइड बंद कीती हुई है, होर भी बहुत थावां ते जाम कीता, हरियाणा सरसा दे विच भी जिहड़ी आ सड़क वो भी जाम हो चुकी आ। ते अमरीका तो सानू फोन आए सीगे, ते भाई जयपाल सिंह होणा दे जिहड़ियां वैसी आ भारत दी उहनूं पक्के तौर ते कैलीफोर्निया दे विच बंद कर दिता गया, स्कॉटलैंड जिहड़ा उत्थे भी सारे बंद करते ने, जर्मन दे विच भी हो रहा प्रोटेक्ट, सारे जिहड़ा विदेशां दे विच भी जिहड़ी सिख जथेबंदियां ने वह सारे उत्थे भाई अमृतपाल साहब जिहड़ी हुई आ गिरफ्तारी उहदे विरोध दे विच जिहड़ा है वह सारे विरोध कर रहे हैं। तो सरकार नूं असीं कहिंदे आ भी तुसीं तुरंत भाई अमृतपाल सिंह छड्डो, उन्हें की इहो जिहा करता भी वह तां फड़िया भी वह अमृत छकाउण लग पिया, तो जिहड़ा नशा विकदा सी पंजाब दे विच उहनूं ठल पाई आ, सरकारां ने ठल पाउणी सी, भाई अमृतपाल साहब ठल पा रहा, तां इहनां दे चौधर तां उहनां ने यह सारा जिहड़ा ढगवंज रचिया गया। हुण पुलिस ने भगौड़ा करार देता उहनूं, हो सकदा उह एनकाउंटर भी कर सकदी आ। मैं पंजाब दे लोकां नूं बेनती करना चाहुंदा, अज भाई अमृतपाल सिंह ते उहदे साथियां नाल इह वरतारा पुलिस ने करिया, कल नूं साडे नाल भी जां तुहाडे नाल भी हो सकदा करनगे, करनगे इह लाजमी,
इन्हां दे सेंटर सरकार दे अखां दे विच पंजाब रड़कदा नौजवानी रड़कदी आ। इस करके सानू सारयां नूं हंबला मारना चाहीदा, उन्हां दे हक दे विच आउणा चाहीदा। तुहाडा घरां दे विच बैठ के नहीं सरना, जे सरदा बैठे रहो कोई गल नहीं, तो फिर देखी जाओ जो गुरु वर्तारा करेगा। इत्थे एक पासे कौमी इंसाफ मोर्चा लग्या होया जिहड़े बंदी सिंह ने उन्हां नूं रिहा करवाउण वास्ते, दूसरे पासे जिहड़ी सरकारां ने साडे नवें बंदी सिंह होर बना रहे ने सजणा, तां उन्हां नूं की आ। तो हुण पंजाब दे लोकां नूं समझना पऊगा। जिहड़ियां पंथक धिरां ने, मैं सारयां नूं अपील करना चाहुंदा कौमी इंसाफ मोर्चे वल्लों एक कल नूं जिहड़ी सारियां पंथक धिरां वल्लों मीटिंग असीं बुलाई आ, सारयां नूं टैलीफोन बापू जी नूं भी किया, जिथे जिथे पंथक जथेबंदियां ने सारियां इत्थे मोर्चे ते पहुँचना। जिहड़ा अगला प्रोसैस आ उह अगला जिहड़ा प्रोग्राम आ संगत नूं दित्ता जाऊगा, जिहदे विच सरदार सिमरजीत सिंह मान जी ने, उहनां नूं वी असीं अपील करदे हां। भाई दलजीत सिंह जी बिट्टू जिहड़े ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਓ ਬੈਠੋ, ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈਏ ਆਪਾਂ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਬੇਝੁਝਕ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਦ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਭਾਊ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਈਏ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਉਠਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਲ ਪੰਥ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਨਮੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਓ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਅਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਬਥੇਰੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੈ, 3 ਪਰਚੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਬਥੇਰੇ ਬੰਬ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਾਲਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਥੇਰਾ ਅਸਲਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੋ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਦੋ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ? ਬੱਚੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਾਦੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ
पंजाब दे विच विचर रहे सन, बड़ी सधारण जी जिंदगी नाल विच रहे सी, फिर उन्हें अरैसट करके तो उन्हें केसां दे विच ट्राई कर दे। दिरबूगढ़ खण्ड की लोड़ सी असाम च, चार आदमी उत्थे पहुँच गए ने। पुलिस स्टेशन जिहड़ा दिरबूगढ़ आ उहदे च साडी पंजाब पुलिस ने उन्होंने हवाले करके तो वापस आ गई है। तो अजे भी पंजाब की पुलिस ने क्लीयर नहीं किया भी असी अरैसट कर लिया, खबरां देण लग पए ने, ये लुका के रखण वाली कड़ी गल सी। सो सरकार की देखो जिहड़ा हुण किसी नूं तुसीं उन्हां नूं नैशनल सिक्योरिटी एक्ट के थले शायद डिटेन करनगे, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करता, यह मतलब उन्हें एकदम तो नहीं कर दिता भी पहले बंदा फड़िया गया है, फिर ऑर्डर पास होए ने, फिर हवाई जहाज का प्रोग्राम होया, फिर उत्थे जाके लैंड किए ने, वो वापस आ गए ने। तो सरकार ने उन्हें ऑर्डर वो देना चाहिए सी, जिहड़ियां तुहाडियां खबर आ रही ने उन्हें अनुसार है कि उत्थों बंदे फड़े ने एक कार दे विचों उन्हां नूं लै गए ने एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट तो जाके उत्थे चले गए ने। सो उन्हां नूं परिवार नूं दस के जाना चाहिए सी कि आह तुहाडे बच्चे के खिलाफ ऑर्डर है, इनू एस अरैसट किया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नूं जिहड़ा सी उहदे ते कॉपी सर्व करनी चाहिए सी। इस तरह का कहले तो कानून की गल कही है, हुण सरकार हर वेले कहिंदी है कानून की गल करदे, कानून की गल आह कहिड़ा कानून है कि बंदे नूं पहले फड़िया है, उहदे डिटेंशन ऑर्डर ऑलरेडी मजिस्ट्रेट ने दस्त किए ने, तो उहदे नाल लै के आसाम लै गए ने। सो इस करके जे उहदे ते क्रिमिनल केस चलते सी जां चलने चाहिए सी, फिर उहनूं NSA च दिलबूगढ़ करन लै गए ने, ट्रायल तो इत्थे होना है। इहदा मतलब वो केस झूठे सी चारे, जे झूठे ना होंदे तो उन्हां दा ट्रायल करदे पता नहीं 2 साल लगते 3 साल लगते, नैशनल सिक्योरिटी एक्ट के थले डिटेन करने की लोड़ ही नहीं। सो इस करके सरकार जिहड़ी है ये नहीं महसूस करती कि असीं लोगों नूं कहिंदे कानून की गल करो, भी आप ही कानून की गल करिए। पंजाब दे विच अमृतपाल सिंह दे अरैसट करन दे नाल अरैसट हो जाएगी, मतलब जिहड़ा है अमन मान आ जाएगा, मतलब एक बलदी अग ते होर तेल पा दिता सरकार ने। राजनीतिक गल्लां हुंदियां ने, राजनीतिक गल्लां हैगियां ने, सरकार बैठ के राजनीतिक धिरां नाल पंजाब दियां नाल खास करके सिखां नाल बैठ के उन्होंने विचार करे भी कि गल है। तुसीं कहिंदे लगातार दबाव बनाया जा रहा है, पंजाब विधानसभा विरोधी धिर लगातार कह रही थी एड्डी वड्डी घटना हो गई, SP का सिर पाड़ दिता, जख्मी कर दिते, गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? दूजे पास CM साहब अमित शाह मिल के आते हैं, उत्थे मुलाकात करके आते हैं, जी पुलिस की टुकड़ियां आदि ने इतने पहुँचे ने, वीर जी प्लान जिहड़ा ना देखो पंजाब दे लीडर की कि गल करोगे? पंजाब दे लीडर इस वेले पंजाब दियां मुश्किलां दा कोई मुद्दा उठा रहे ने? एक दूजे के खिलाफ दूषणबाजी है, एक कहिंदा करप्शन बंद कर देंगे, दूजा कहिंदा है सज़ा दवा देंगे जिन्हां ने बेअदबी की है, तीजा कहिंदा है जिहड़ा चिट्टा बंद कर देंगे। होया कुछ अजे किसी चीज़ नूं भी मानता मिली है? नहीं मिली है। तो मतलब जिहड़े हुण ये क्यों नहीं कोई कहिंदा भी चंडीगढ़ पंजाब दा दिओ भी इन्हां नूं पंजाबी लागू करनी करो जी, ये क्यों नहीं कहते भी पंजाब दे विच जिहड़ी जिहड़ा खेतरां दी झगड़ा है भी पंजाबी बोलते जिहड़े एरियाज ने वो पंजाब च आने चाहिए, एक मुद्दे करते पंजाब दा ऐसा सत्यानाश कर रही पोलीटिकल सिस्टम जिहड़ी है वो बिल्कुल ही पंजाब दियाँ असली जिहड़ियां मुश्किलां है उहनूं हल करन दी कोई भी नहीं कदम पुट रहा। इन्ने जिहड़े लीडर है अपने आप नूं खुद कर्ज ते लै गए ने। तुसीं आप देखो भी पंजाब दा जिहड़ा पोलीटिकल सिस्टम आ उहदे विच झगड़ा ये आ भी पंजाब दे विच पंजाब दे कुछ लोग कहिंदे ने जिहड़ा जिन्हां नूं ये कहिंदे अतवादी कोई रेडिकल कही जांदा कोई भी पंजाब दियां दरअसल मुश्किलां की आ। हुण मुश्किल ये आ भी जे अजनाले जो बंदे नूं फड़ के लै गए ने फिर छड्डिया क्यों भी? इहदा मतलब पहले झूठा केस पाउंदे ने फिर उहनूं छड्डदे ने, ते जे अमृतपाल सिंह उहनूं छडाउण लई लै गया ये किद्दां कहिंदे ने भी गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हो गई है? ਵਿਆਪਦੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ। ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਨਿਆ ਪੰਨਿਆ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਲਗਾਤਾਰ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਧਿਆਨ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਜਿਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਹੁਣ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,
इस करके मुद्दे साढ़े नहीं है, साढ़े मुद्दे पंजाब के जोड़े ने रियल मुद्दों को कोई टच नहीं कर रहा इस वे पोलीटल पार्टियां जीडिया इस वे अपने आप राज भाग च रही ने चाहे रह रही ने उन्होंने पंजाब के नाल सरों कोई नहीं हूँ इस गलते बदकिस्मती कि हो सकती भी एक चंडीगढ़ है चंडीगढ़ कहें जी पंजाब का होना चाहिए सी चंडीगढ़ के 60% मुलाजम पंजाब के चाहिए ने 40% हरियाणा के चाहिए लाज है ना तुम जाके किसी दफ्तर च देख लो पंजाब का कोई नवा बंदा भर्ती हो रहा यह मुद्दा क्यों नहीं उठाते ये पोलीटिकल गल नहीं ये मैं थोड़ी उठानी है जां साडी किसी संस्था ने जी NGOs है उन्होंने थोड़ी उठाने ये पोलीटिकल गल ने यह कोई नहीं करता सेंटर वाली सरकार भी यह गल इस करके नहीं कर देती भी पंजाब के मुद्दों का जोड़ा है आल टूगैदर जोड़ा है वह रवैया ही बदल दिता जाए लोगों का हूँ लोगों कोई जान माल की खतरा तो नहीं अमृतपाल सिंह ने ऐसी मूवमेंट चलाई है नशा बंद कर दी वो ना बादल कर सकया है ना चनी कर सकया सी ना कैप्टन कर सकया ना अजे तक हूँ मान कर सकया है ये गल क्यों नहीं करते भी असी फेल हो गए जे उन्हें एक बहुत ही औगण वेखी जाते हैं वह गुण क्यों नहीं देखते दे? भी हजारा मुंडे जे अपने सीधे राह ते आण के जिंदगी ठीक असर करते हैं उन्होंने परिवार बचते हैं उन्हों बहु बेटियां बचदिया ने उन्होंने बुजुर्ग माता पिता की जी है जिंदगी सौखी निकलती है सो पंजाब दे विच इस वेले जी है बिल्कुल गैर कानूनी हो रही है और गैर कानूनी कराने से जोड़े साडे लीडर ने भावें किसी पार्टी ने वो बड़ा वाला रोल अदा कर रहे हैं बापू जी लगातार कमिश्नर जलंधर ये कहते नज़र आ रहे थे कि गिरफ्तारी ने भगौड़ा करार कर दिता पर पहला जो पंजाब पुलिस के कई सूत्र थे वही कह रहे थे कि गिरफ्तारी हो चुकी है भी मतलब आउट ऑफ स्टेट लैके जा सकते हैं तो की लगता है इस चीज़ के भी गुमराह किया जा रहा है गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई कई सोशल मीडिया के उत्ते भी कहा जा रहा है कि लक्का सिधाणा भी कह रहा है कि गिरफ्तारी नहीं हुई देखो जेड़ा पिछला इतिहास भी है जेड़ा जिस टाइम वो दौर चलिया जदों इस तरह के सरकार करती सी भी भगौड़ा करार दें दें सी भाई गुरदेव सिंह कौके की मिसाल है उन्होंने घर तो चक के लै गई पुलिस तशद्दुद करिया शहीद कर दिता परंतु अज तक सरकार उन्होंने रिपोर्ट नहीं पेश कर सकी भगौड़ा ही करार दे रही है सो सानू शक है सरकार की नीयत ते भी वो इन्हों का फेक इनकाउंटर कर सकती है जिहड़ा पिछे करती रही वो वास्ते सरकार पंजाब का माहौल खराब करने की जिम्मेवार होगी जेकर सरकार ने इस तरह का कोई कदम चुकया भी उन्होंने झूठे मुकाबले शहीद करने की गल की तो वो जिम्मेवार सरकार हो चिट्ठियां लिखिया ने प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ने उन्होंने चिट्ठियां लिखिया ने कि इस तरह नहीं होना चाहिए राइट ऑफ किस तरीके का तुम की एक्शन ले रहे हो देखो एक्शन तो असं तुम्हें दस दिता है भी जिथे बाकी बंदी सिंह ज्ञानी जी ने दस दिता बापू जी ने भी बाकी बंदी सिंह की असी तो बंदी सिंह पहलिया रिहाई करने की कोशिश कर रहे हैं ये सैकड़े के लगभग रोल फंडी फंड की कोशिश कर रहे असी इस गलते परपक रवेंगे भी जोड़े बंदे हूँ भी तुम झूठे पढ़ते इन्हों भी रिहाई करो बाकी कानूनी कार्रवाई जी हैगी जो नैशनल सिक्योरिटी एक्ट हैगा ये थले एक ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हों को पेश करते हैं ये पता नहीं हूँ करना तो चंडीगढ़ के या पंजाब के जरा जी पंजाब हाई कोर्ट करना चाहिए उन्होंने आसाम लै गए आसाम लिया तो पता नहीं होर की गैर कानूनी करते हैं मैं कहना जी ला दिता तद आउटसाइड अपनी स्टेट से खड़े पंजाब का बंदा हो मैं तो बेनती कर रहा तुहानू भी चार केस वो पेंडिंग से उन्होंने NSA इस करके लाना पे भी झूठे केस से बेल हो जानी सी उन्होंने चाहे केस शायद रिमांड भी ना उन्होंने मिलता इस गल तो जोड़ा है दूर जाने उन्होंने NSA जोड़ा है ला दिता है तद एकदम अरेंज करके देखो ना सारा प्री प्लांड है कोई कुछ सजना ने दसिया है कि पहले जोड़े इंसीडेंट होए फिर मान का जोड़ा है दिल्ली जाना होम सैकटरी होम मिनिस्टर मिलना फिर इतने फोर्सिज देनिया फिर इतने रौला पाना भी उन्होंने फड़ना चाहिए फिर अल्टीमेटली जोड़ा फड़ लिया है हूँ कल जदों उन्होंने फड़िया है सवेर तो इन मतलब छियां सत्ता डिस्ट्रिक्ट दिया जड़िया सी पुलिस फोर्सेज वो मगर लगिया सी हर कदम से वो मगर लगे हैं तो इस करके जी सी प्री प्लांड हैगी ये कोई दोष आया नहीं एक कि भी हूँ देखो ना एक किड्डा वड्डा कमिश्नर के रैंक का आदमी कहता भी नहीं अरैस किया तो खबर आ गई भी अरैस कर लिया है की क्रेडिबिलिटी रह दी एक सरकार इन्ना गट्स नहीं है
इन्ना झूठ बोलती है भी एक गल हो चुकी है, वो भी झूठ बोली जाते लोगों दसन भी असी गिरफ्तार किया इन्ह कारण करके किया, उन्होंने ऑर्डर सर्व किया जाता, वो घरदियां नूं दस्या जाता भी तुहाडा बंदा फड़ के आ लै गए हैं तो आ जे इहदे ते एलीगेशन, ये गल है नहीं। सारियां नूं इस गल के कन्फ्यूजन च पाया जिहड़ी कि गैर कानूनी इत्थों ही जाती है भी ये पता नहीं, जिस तरह बापू जी ने कहा एनकाउंटर ही कर देने जी कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल है बलविंदर जी, थोड़ी की प्रतिक्रिया क्योंकि बीते दिन जिस तरह तुसी अजनाला घटना ते भी बयान दिता सी कि हुण पुलिस ने कार्रवाई कीती है, की कहोगे? देखो कौमी इंसाफ मोर्चे ने जिहड़ी मेरी ड्यूटी लाई है कि मैं किसान ते मजदूर जथेबंदियां दे आगूआं नाल तालमेल करके मोर्चे नूं मजबूत करना है, नंबर एक। नंबर दो, कौमी इंसाफ मोर्चा जिहड़े निशानियां लई लग्गिया अज बलविंदर सिंह ते लोक अधिकार लै उन्हां निशानियां नूं समर्पित होकर इन्हां दे नाल खड़ी है, उहदे संबंधी सवाल किया जाए तो मैं जवाब दूंगा। नहीं बस ठीक है, माड़ी गल है, नखेधी करते हैं, सारे सीनियर आगुआं ने जिहड़ा जवाब दिता है इन्हां दे नाल बैठे हैं तां इह नाल है जी। एक थोड़ी जी गल नाल नहीं, इह ते साडा मोर्चे दे बड़े मतलब व्यापी तकड़े थंब ने, असीं निक्की निक्की जिहड़ी गल हुंदी प्रैस दे विच आ जांदी है उह साडे ते नाम ही आवे तो चंगा, असं तो बेनती यो करेंगे पहले साढ़े को कलैरीफिकेशन लै लो। हाँ जी नहीं चलो कोई नहीं, बोलिया गया हूँ ये बोल दें असी कि साढ़े च कोई एक दूजे तो डिफरेंस नहीं, कोई मतभेद नहीं, सारे के सारे मोर्चा संचालक जोड़े ने वो एक मुठ ने, किसी तो किसी रंजिश नहीं हैगी।